दुनिया में अगर कोई सच कहता है तो उनका अल्लाह और वो पाकिस्तान। प्लीज़ इंडिया वाले प्लीज़, दैट इज़ राइट, वेरी वेरी राइट व्हाट दे हैव डन टुडे एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। एक्चुअली बराबर किया है, ये पहले से ही करना चाहिए था। वो अच्छा है पाकिस्तान के, उनका अपने इंडिया में इतने सारे है टैलेंट है, उनको यूज़ करना चाहिए। वो है इसलिए हम है। इंडिया ने पुलवामा अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके, और ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है दूसरी बार इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट। सिर्फ यही नहीं, इस सब की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेस में भी आए हैं काफ़ी उतार चढ़ाव, और फाइनली इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, और पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया है कि कोई भी इंडियन फिल्म्स वहाँ पर रिलीज़ नहीं होगी। और एक तरह से सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ गई है, क्योंकि इंडियंस का कहना है कि हमने बहुत सही किया और बहुत अच्छा हुआ, वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, और एक तरह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं मुंबई की जनता से कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और जैसा कि आप जानती हैं कि भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक की है दूसरी बार, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई नहीं मरा है, जस्ट एक प्लेन आया और गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो ये ऐसा है कि मियां गिरे लेकिन टंगड़ी ऊपर की ऊपर, उनको पता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन अभी अपने गाल लाल हो चुके हैं, उनको वो दिखाना नहीं है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो डिफीट हो गए। वो इतने सरप्राइज्ड हो गए थे वो अटैक से, इमरान खान और उसके जो एयरफोर्स और आर्मी के जो लोग थे वो मीटिंग के अंदर पूरी की तरह घबराए हुए शॉक्ड दिख रहे थे। पता नहीं सकता है, एक्चुअली हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो हल्ला जो हो गया वो कश्मीर में हो गया है ना, पाकिस्तान में नहीं हुआ, इसलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। जो बराबर है उन्हें बोलने क्या, उनका अपना गलत छुपाने के लिए, अपना को अपना भारत देश को वो लोग कमती दिखाने के लिए वो बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं हो गया, वो एक्चुअली हो गया वहाँ पर, वो लोग अपना गलती छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो आदत ही है सब दिखाने की, कि हम लोगों ने किया ही नहीं, करने के बाद भी हम लोगों ने किया नहीं है, तो ये तो हमेशा का है उनका। और ये लोग ही टेररिस्ट को पालते हैं और ये लोग ही टेररिस्ट को भेजते हैं हमारे इधर। क्या चाहिए उन लोग को, उनका मोटो ही क्लियर नहीं है, तो वो क्या किस क्या सोच के इंडिया पे ऊपर अटैक करने वाले करते हैं? वो बोलेंगे कि हाँ हुआ अटैक एंड देन इतने लोग मारे गए, तो दैट विल प्रूव कि अच्छा है उनके पास टेररिस्ट, राइट? सो दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो ऑब्वियसली वो लोग मना कर रहे, इसीलिए मना कर रहे, बिकॉज दैट वाज द सेम थिंग दे डिड अर्लियर आल्सो, एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन। ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हर दिन करो, हम अलार्म लगाना बंद कर देंगे, वही धमाके से हमको उठना है सुबह, जब तक पाकिस्तान ख़त्म ना हो तब तक हर सुबह तक सर्जिकल स्ट्राइक करते रहो, जब तक पाकिस्तान ख़त्म ना। इसलिए बराबर किया है, ये पहले से ही करना चाहिए था। पाकिस्तान डिनाइल स्टेट है, कुछ भी अगर अटैक होगा तो उनकी तरफ से हमेशा डिनाई होगा, तो उनका एग्जिस्टेंस ही इंडिया के ऊपर बना हुआ है। वो हमेशा टेररिस्ट अटैक करते रहेंगे, और जितने भी गाजी वो भेजेंगे उतने गाजी यहाँ पे गिराएंगे। इससे मेरा दूसरा सवाल आता है कि इंडिया में पाकिस्तानी कलाकारों को एकदम बैन कर दिया है, और पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ बैन हो गई हैं, जो कई बॉलीवुड मूवीज़ वहाँ पर रिलीज़ होती थी, टीवी शोज देखे जाते थे, वो सब बैन हो गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सो ऑन दिस फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि जब दंगल मूवी रिलीज़ होने वाली थी पाकिस्तान में, तब उन लोगों ने बोला था कि दंगल में से लास्ट का नेशनल एंथम वाला पार्ट निकाल दो एंड देन ओनली हम लोग मूवी ये करेंगे, लाइक रिलीज़ करेंगे। एंड अगर वो लोग इतने ज़्यादा अपनी नेशनलिटी को होल्ड कर रहे हैं, ऑल्सो अभी बहुत ज़्यादा ट्रॉल्स एंड मेम्स में पाकिस्तानी इसको मैंने से बोलते हुए सुना है कि पाकिस्तान में ही तो टैलेंट है, इंडिया पाकिस्तान के टैलेंट पर जी रही है, तो आई थिंक ये बैन करेक्ट है, ऑल्सो टू प्रूव देम कि हम लोग के पास है, और इतने सालों से तो इंडिया के पास बहुत सारे आर्टिस्ट है, तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी नीड ऑफ पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और एनी वन। बराबर है ना, अगर आप लोग हम लोग के ऊपर इतना जुर्म करते हो, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना सा उंगली लगाई अभी तक, हम लोगों ने पूरा पंजाब ही नहीं मारा है, जब पंजाब मारेंगे तो सोचो क्या होगा। आपके जो आर्टिस्ट है वो यहाँ आके इधर एम्प्लॉयमेंट
इधर एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो इधर से पैसा कमा के जा रहे हैं, तो सोचो ज़रा कि इधर आकर भी हमारे घर में हमारे थाली में खाकर छेद कर रहे हो, तो हम लोग नहीं कर बोलेंगे क्या? हम लोग नहीं करेंगे? सादा मारा तो हम लोग उनको डांटते हैं कि बाबा हाँ ये नहीं करने का, लेकिन आप लोगों ने हमारे जवानों को मार डाला, ये बात बहुत बहुत बड़ी है हम लोग के लिए। और प्लीज़ इंडिया वाले, प्लीज़ दैट इज़ राइट, वेरी वेरी राइट व्हाट दे हैव डन टुडे, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। ये इंडिया में तो उनको बैन करना ही चाहिए था, क्योंकि अगर वो एनिमी नेशन है, हम लोग का कानून भी ये कहता है कि अगर एक कंट्री जो वॉर पे है उसके साथ में हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो एक बॉलीवुड वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट पे उनको कैसे ले सकते हैं? तो उनको वो काम नहीं दे सकते। नहीं, होना ही चाहिए था, ये बहुत बहुत देर से हुआ। जो बिजनेस आप बोल रहे हैं कि उससे रोजी रोटी चलती है, लेकिन रोटी खाकर, मैं रोटी खाता हूँ उससे मुझे कुछ अकल आती है, कुछ ताकत आती है, तो वो मुझे इस्तेमाल कैसे करनी है वही अगर मुझे पता नहीं है तो ये होना ही चाहिए, तो मेरी रोजी रोटी बंद होनी ही चाहिए। एक्चुअली इंडिया में पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन किया है, ये तो बाला साहेब ठाकरे ने 20 ईयर्स पहले बताया था ये मत करो, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे नेबर ने हमें कुछ किया तो हम उसके लड़के के साथ खेल तो नहीं सकते ना, तो सेम वे कि उनके एवरी फील्ड वी नीड टू बैन देम। यस, वो अच्छा है पाकिस्तान के, उनका अपने इंडिया में इतने सारे है टैलेंट है, उनको यूज़ करना चाहिए, पाकिस्तान का क्या ज़रूरत है? और वैसे भी उनका इकोनॉमी वैसे भी गिरा हुआ है, वहाँ पे बिजनेस नहीं भी मिला तो अपने को इंडिया बॉलीवुड को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी इंडियन फोर्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल नेवी आर्मी एवरीबडी एयर फोर्स, सल्यूट। उनके लिए तो मैसेज लाइक थैंक यू सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, बिकॉज दे आर डूइंग A lot means a lot. I can't put it into words. I can't express what I feel for them. But they're really doing a lot for our nation. हमारे जवानों को मैसेज मैं क्या दूंगा? मेरे उतनी औकात ही नहीं है कि मैं जवानों को मैसेज दूं। वो वहाँ खड़े हैं, वो वहाँ कुछ कर रहे हैं, वो रात भर जाग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सो रहा हूँ या शिवाजी पार्क में कट्टे पे बैठा हूँ। अगर वो सो जाए वहाँ पे तो मैं यहाँ पे, आप भी मुझे पूछने के लिए ना रहेंगे, मैं क्या मैसेज दूँ उनको? वो है इसलिए हम हैं। मेरा भी वो लड़का होगा तो मैं भी भेज दूँ वहाँ पे, हमारा ये अपना भारत देश है, अपन उनके लिए कुछ भी करेगा तो कमती है, वो लोग के लिए हमेशा के लिए, उनका सबके लिए अपना गुलाम है, उनका देनगी है हमेशा के लिए। मेरा उम्र अभी 67 है, मैं उनके लिए कभी भी उनके लिए मैं मेरा आंसू और मेरा खून अभी भी किसको मदद दे सकता हूँ। अरे ये जवानों को हम क्या मैसेज देंगे, वो तो हमारे लिए इतना करते हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम, और कीप गोइंग, वी आर रियली प्राउड ऑन यू, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। मैसेज मतलब हैट्स ऑफ, मतलब उनको जो भी आज तक उन्होंने किया हुआ है और जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा, मतलब हम लोग उनके साथ हैं नॉर्मली, और उसके बाद भी जो भी एक्शन लेंगे हम उनके साथ रहेंगे, दैट्स ऑल। We nation, we all people are with you. Jai Hind. अब तो अच्छा रहो, अपना भी जवान तो अच्छे ही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। तो ये थी मुंबई की जनता की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जाते जाते मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे सोल्जर्स हमारे लिए करते हैं वो शायद दुनिया में कोई भी और नहीं कर पाएगा। जय हिंद, दिस इज साक्षी अरोड़ा विद कैमरामैन गौरव, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नाउ पर।